खबरें तो हम आपको हर रोज बताते ही हैं, लेकिन आज हमारे पास आपको बताने के लिए एक खास किस्सा है, और ये किस्सा देश की हर माँ, हर बेटे और हर परिवार को आज देखना चाहिए। जो किस्सा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो एक माँ और बेटे के बीच की बातचीत है, एक संवाद है, और इस संवाद में कई शिक्षाएं छिपी हुई हैं। इसे सुनकर आपको पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री जब अपनी माँ से बात करते हैं तो क्या होता है। सोशल मीडिया पर पिछले दो दिनों से एक तस्वीर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल की है, और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को एम्बुलेंस से निकालकर अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हीराबा की उम्र करीब 100 वर्ष है। बुधवार 24 जनवरी की शाम करीब 5 बजे हीराबा की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके बाद उनके बेटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस बुलाई, और इसी एम्बुलेंस में पंकज मोदी हीराबा को गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां करीब 2 घंटे तक उनका इलाज चला। इसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर छा गई, और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबा की हालत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। जब यह खबर पता चली तो इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत के बारे में जानने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन किया, जिसके बाद मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दोपहर बात हुई। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि आज सुबह उन्होंने अपनी मां हीराबा को फोन किया और उनका हालचाल जाना। हर मां की तरह हीराबा ने भी अपने बेटे को यही कहा कि बेटा मेरी चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हीराबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और उन्हें थोड़ी सी बेचैनी हुई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अभी वो बहुत लंबे समय तक जिएंगी और अपने बेटे की सफलताओं को देखकर उन्हें आशीर्वाद देती रहेंगी। और मजाक मजाक में हीराबा ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि अब इस उम्र में सफेद बालों के बीच उनके काले बाल आ रहे हैं और साथ ही उनके नए दांत भी आ रहे हैं। किसी भी बेटे के लिए इससे ज्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने अपने बेटे नरेंद्र मोदी को डांटते हुए यह भी कहा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे तुम्हें और सफलता प्राप्त करते हुए देखना है। यानी 100 साल की उम्र में भी मां को बेटे के काम और उसकी सफलता की चिंता है। और यहां पर एक और खास बात यह भी है कि इस देश में प्रधानमंत्री की मां होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हीराबा अगर चाहती तो एयर एम्बुलेंस से लेकर किसी भी बड़ी से बड़ी अत्याधुनिक सुविधा से लैस एम्बुलेंस में जा सकती थी, यानी और ये वो ये भी कर सकती थी कि डॉक्टरों की पूरी बड़ी की बड़ी फौज उनके घर पर ही उनका इलाज करने आ जाती। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी आम मरीज की तरह 108 नंबर वाली एम्बुलेंस में जाना ही उचित समझा। गांधीनगर में बड़े बड़े 5 सितारा अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हीराबा गांधीनगर के सरकारी सिविल अस्पताल में ही अपना इलाज करवाने पहुंच गई। बहरहाल इस पूरे संवाद में प्रधानमंत्री ने अपनी मां पर सेहत का ख्याल रखने और आराम करने का पूरा दबाव बनाया, और मां ने अपने बेटे पर अपने काम पर ध्यान देने का दबाव बनाया और उन्हें डांट लगाई। ये कोई खबर नहीं थी, ये एक मां बेटे का संवाद था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुझे आज फोन पर बताया, और मुझे लगा कि ये संवाद मुझे आज आपके साथ शेयर करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मां बेटे का ये संवाद देश की हर मां और देश के हर बेटे को प्रेरणा देगा।